हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, बजाज ने लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड की सबसे पहली सीएनजी बाइक, एंड ये उनके कम्यूटर सेगमेंट के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सीएनजी बाइक्स पहले से अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल गाड़ियां जो थी उनको सीएनजी में भी बहुत लोग कन्वर्ट करके चला रहे हैं अभी के टाइम पे। मैंने एक तो स्प्लेंडर भी देखा था जिसमें सीएनजी फिटेड था, बट यहाँ बजाज पहली और इकलौती ऐसी कंपनी बन जाती है जिन्होंने कंपनी फिटेड सीएनजी बाइक्स को मार्केट में लाया। एंड दोस्तों, ये बाइक लॉन्च होने के बाद काफी सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। मैं आपको आगे सारी डिटेल्स बताऊंगा, इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो तीन वेरिएंट्स आते हैं, किस वेरिएंट में आपको क्या मिलेगा और किस वेरिएंट की प्राइस क्या होगी, माइलेज कैसे होगी, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग ऑटोमोबाइल कंटेंट देखने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन एंड लुक से। यहाँ पर जो डिजाइन हमें देखने को मिलता है, ये काफी लोगों को पसंद आ सकता है, काफी लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये कम्यूटर सेगमेंट के लिए बना है। बट यार दोस्तों, ये डिजाइन में काफी सारे ऐसे फ्लॉज भी हैं जो शायद कम्यूटर्स पसंद ना करें। देखो, पहली चीज है सीट हाइट। इसकी जो सीट हाइट है 825 mm की है, मतलब इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया दुनिया की सबसे ऊंची कम्यूटर सेगमेंट बाइक में। देखो, इंडिया की जो एवरेज हाइट है लोगों की वो है 5'6", और आप बताओ एक 5'6" का बंदा 825 mm की बाइक को कैसे चला सकता है। एंड उसी वजह से स्प्लेंडर और सीडी डिलक्स जैसे बाइक्स की हाइट को कम रखी गई है, सो दैट लोग इस पे ज्यादा रिलाय कर सके। और दूसरी चीज है इसकी वेट। इसका वेट है 147 किलो, आई मीन 147 किलो, मतलब सबसे भारी कम्यूटर बाइक इन द वर्ल्ड। एंड दो फ्लॉज के बाद एक एडवांटेज भी है इस बाइक पे, इसकी लॉन्गेस्ट सीट। ये दुनिया की सबसे पहली कम्यूटर बाइक है जिसमें लॉन्गेस्ट सीट आती है। चलिए अभी बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पर फ्रंट की साइड में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, हालांकि इन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक से ढक दिया है। आई डोंट नो ये इन्होंने क्यों किया है, शायद इन्होंने ये सस्पेंशन को एक अच्छी डिजाइन देने के लिए इसे बनाया है, सो दैट ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थोड़ी सी बड़ी दिख सके। बट गाइस, ये 30 mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और रियर की साइड में यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो की काफी बढ़िया बात है एक कम्प्यूटर सेगमेंट बाइक पे। चलिए अभी बात करते हैं गाड़ी की मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो की है इंजन। तो यहाँ पर हमें 125cc का हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है, जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों में चल सकता है। एंड अच्छी बात यह है कि आप और सीएनजी के बीच में सीमलेसली स्विच कर सकते हो बिना गाड़ी को रोके। एंड यहाँ पर हमें 5-speed की गियरबॉक्स मिल जाती है। बात करें इसकी इंजन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें 9.5 bhp का पावर देखने को मिलता है 8000 rpm पे, और 9.7 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 5000 rpm पे। दोस्तों, ये गाड़ी की टॉप स्पीड जाती है सीएनजी में 90.4 km/h एंड पेट्रोल में 93.4 km/h। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी टैंक और फ्यूल एफिशिएंसी बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 kg का सीएनजी टैंक और 2 L की पेट्रोल टैंक मिल जाएगी। एंड कंपनी का क्लेम ये है कि आप 2 kg सीएनजी में 200 किलोमीटर जा सकते हो, एंड 2 L पेट्रोल से आप 130 किलोमीटर तक जा सकते हो। सो इसकी जो कंबाइंड रेंज है वो 330 किलोमीटर की निकल के आती है, जो कि कंपनी क्लेम कर रहा है, बट वो तो पता चलेगा जब टेस्टिंग होगा इस बाइक का। अभी चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कौन से वेरिएंट में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और किसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो गाइस, मैं अभी इनके वेबसाइट पे आ चुका हूँ, चलते हैं कंपैरिजन में, कंपेयर ऑल वेरिएंट्स। ओके, सो हियर इट इज। एंड इधर देखिए, आपको इधर 3 variants मिलता है, डिस्क एलईडी, ड्रम एलईडी और ड्रम। सो इधर हमें डिस्क एलईडी में ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक और एलईडी लैंप मिलेगा, एंड ड्रम एलईडी में हमें ड्रम ब्रेक एंड एलईडी लैंप मिलेगा, और ड्रम में दोनों ही टायर्स में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ड्रम वेरियंट है उसका जो पीछे वाला रियर वाला ड्रम ब्रेक्स है वो आपको 110 mm का मिलता है। आई मीन सीरियसली, ये ऐसा कॉस्ट कटिंग तो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, लेट इट बी। अभी टायर्स के बारे में बात करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो फ्रंट वाली टायर है वो 17 inches का आता है, और रियर वाली टायर 16 inches का आता है, बट यहाँ पर सेम 80-90 और 80/100 कर दिया गया है ड्रम वाले वेरिएंट में। और सीट हाइट सब में बराबर है 825 mm की। एंड ऑफकोर्स हमें यहाँ टॉप वेरिएंट एंड इंटरमीडिएट वेरिएंट में एलईडी लैंप देखने को मिलता है, और ड्रम वाले वेरिएंट में हमको बल्ब यानी कि हैलोजन बल्ब मिलने वाला है। और कनेक्टिविटी, आई मीन ये बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ पर टॉप एंड में आपको इन्वर्टेड फुल एलसीडी विद कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इनका मतलब है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और जो इंटरमीडिएट वेरिएंट है इसमें
वही सेम एलसीडी मिलेगा बट उसका छोटा वाला वर्जन मिलेगा विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आई थिंक ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सो दैट सभी लोग टॉप वेरिएंट की तरफ रुख करें, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत कम प्राइस डिफरेंसेस है यार, और कैपेसिटी सब में सीएनजी पेट्रोल की सेम है। एंड यहाँ पर जो बेली पैन है वो है टॉप वेरिएंट में प्लास्टिक प्लस स्टील मेटल, एंड इंटरमीडिएट में भी वही सेम, बट ड्रम में एज यूजुअल यहाँ पर शीट मेटल ओनली, मतलब शीट मेटल का सिर्फ यूज किया गया है। ऑल राइट, यहाँ पर टैंक कवर फ्लैप यस दोनों में मिलता है, टॉप एंड एंड इंटरमीडिएट में, एंड ऑफकोर्स नीचे वाले वेरिएंट को कुछ भी नहीं मिलता है भाई, वो अडॉप्टेड है। तो गाइस अभी मैं इसकी सारी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। इसका जो बेस वेरिएंट है, ड्रम वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 95,000 एक्स शोरूम, और इसकी जो ऊपर वाली वेरिएंट है जिसको हम ड्रम एलईडी वेरिएंट भी बोलते हैं उसका प्राइस है 1,05,000 एक्स शोरूम, एंड इसकी जो टॉप वाली वेरिएंट है डिस्क एलईडी उसका प्राइस है 1,10,000 रुपीज एक्स शोरूम। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप इधर तक वीडियो देख चुके हो देन लाइक जरूर करके जाना, एंड ऑलवेज राइड सेफ, राइड विथ हेलमेट। जय जगन्नाथ।